Hi friends, thank you so much for subscribing to my channel. आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए और हमारे एक सर हैं जिन्होंने रिकमेंड किया है कि ये कहानी बताइए, तो मैं उस कहानी को लेके आया हूँ। तो ये कहानी में हमें पता चलने वाला है कि हमारे फादर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी ज़िंदगी में, कितने ज़्यादा महत्व रखते हैं हमारे फादर हमारी ज़िंदगी में, ठीक है। तो आज इस वीडियो के बारे में बात करेंगे, इस कहानी को मैं सुनाऊँगा काफ़ी स्लोली, तो आप तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, ठीक है। तो ये कहानी में एक फादर है और एक फादर का सन है, मतलब एक उनका लड़का है। तो पिताजी काम करते थे, जैसे वो काम नहीं करते जिनको लोहार कहते हैं, तो लोहार का नहीं, एक मूर्तिकार का, वो मूर्तिकार का काम करते थे। और उनका जो छोटा बच्चा था, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगा उन्होंने अपने काम में उसे ले लिया, मतलब कि उनके पिताजी भी काम कर रहे थे और उनका जो छोटा लड़का था वो भी काम करते थे। तो अब प्रॉब्लम ये होती थी कि वो जो उनके पिताजी थे, उस लड़के के जो पापा थे, वो हमेशा वो लड़का कितना भी अच्छा मूर्ति बनाता था, उसके पापा आके उसकी एक गलती निकाल देते थे कि भाई ये चीज़ गलत है, इसको अच्छे से करो, ये चीज़ सही नहीं है, इसे अच्छे से करो। तो वो अच्छा बनाने लगा धीमे धीमे। स्टार्टिंग में तो वो कुछ नहीं बोलता था, उसका जो लड़का था उसका, वो स्टार्टिंग में सब कुछ सीखता गया, वो बात मानता गया, वो अपना काम करता गया। लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे उसके जैसे जैसे वो इम्प्रूवमेंट करता गया, उस लड़के की जो वीडियो है, उस लड़के का जो काम है वो काफ़ी लोगों को अच्छा लगने लगा, क्योंकि उसके पिताजी उसको गलती बताते थे, वो गलती पे काम करता था, गलती पे काम कर करके वो काफ़ी अच्छा हो गया। तो अब उस लड़के की वैल्यू उसके पिताजी से ज़्यादा हो गई। जैसे कि मान लीजिए अगर उसके पिताजी 50,000 कमा रहे, तो अब लड़का 1,00,000 तक कमा रहा, तो काफ़ी लोग उसके लड़के के पास आते थे, एडवाइस लेते थे, उस लड़के का काफ़ी नाम हो गया और उसका जो पिताजी था उनका जो है वैल्यू घट रही थी और दिन पे दिन वो बूढ़े भी हो रहे थे। तो धीमे धीमे उस लड़के के व्यवहार में चेंज आने लगा, थोड़ा ईगो टाइप आने लगा। जब उसके पिताजी अब उसे सलाह देते थे तो वो लड़का सोचता था कि ये मुझे क्यों बता रहे, ये मुझे क्यों मेरी गलती बता रहे, अब तो मेरी वैल्यू इनसे ज़्यादा है तो ये क्यों बता रहे। तो एक दिन आकर के उसने अपना जो शांत स्वभाव तोड़ करके उसने अपने पिताजी को बोला कि आप अब मुझे मत बताइए कीजिए, क्योंकि मैं जो मेरी वैल्यू है अब आपसे ज़्यादा हो चुकी है। अब यहाँ तक तो बात ठीक थी। अब उसके पिताजी ने उसकी गलती निकालना बंद किया। अब वो जैसी भी मूर्ति बनाता था उसके पिताजी उसे कुछ नहीं बोलते थे, वो सिर्फ देखते थे और चले आते थे धीमे धीमे। अब वो किसी अभी कर रहा है तो अभी उसे कोई गलती नहीं बता रहा है, तो उसका इम्प्रूवमेंट धीमे धीमे कम होने लगा। अब उसकी वैल्यू कम होने लगी, उसके पिताजी की वैल्यू भी उतनी ही थी क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे, तो ज़्यादा अच्छा उनसे भी नहीं हो रहा था। अब लड़के की भी वैल्यू कम होने लगी धीमे धीमे। लड़का परेशान होने लगा, गाँव में लोग उसको बोलने लगे कि भाई अब तुम्हारी मूर्ति में उतना दम नहीं है, अब हम दूसरे से करवा लेते। धीमे धीमे परेशान होकर लड़का डिप्रेशन में चला गया और फिर वो अपने पिताजी के पास चला गया और फिर अपने पिताजी से पूछता है कि भाई ऐसा क्यों है कि मैं अपनी पूरी मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मेरी मूर्ति अच्छे से क्यों नहीं बन रही। अब उसके पिताजी उसको एक जवाब देते हैं, वो कहते हैं कि जब मैं तुम्हारी गलती निकालता था तो वहाँ पे तुमको तुम्हारी कमी पता चलती थी और तुम उस कमी को पूरा करके अपनी ज़िंदगी में अपने काम को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जैसे ही तुमने मुझे मना किया कि मेरी गलती मत निकालो, मना करने के बाद कि मेरी गलती मत निकालो, अब तुम्हें कोई बोलने वाला नहीं है कि ये काम में आप इतना अच्छा कर सकते हो, यहाँ पे ये गलती है, तो अब तुम्हें सीखने की और अच्छा करने की भूख नहीं रहेगी, जिसके वजह से अब तुम अपने काम को आगे नहीं बढ़ा पा रहे हो, तुम अपने काम में अच्छा नहीं करना चाह रहे हो, या फिर तुम अच्छा करना भी चाह रहे हो तो तुम्हें एक डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा। तो उस लड़के ने कहा कि ये तो तुम मुझे पहले भी बता सकते थे, तो ये पूरी चीज़ ही नहीं होती, इतना मेरा टाइम ही नहीं वेस्ट होता, इतनी मेरी वैल्यू घटती ही नहीं अगर तुम मुझे पहले बता देते थे, क्योंकि मैं तो नादान हूँ, मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं, तुम्हें तो था। और उसके पिताजी ने यही जवाब दिया कि जो गलती आज तुमने की ये गलती मैंने भी एक दिन की थी, जिसके बाद मुझे समझ में आया, इसलिए मैं ये चाहता था कि तुम भी ये करो, सो दैट अगर मैं बोल देता तो तुम्हें नहीं समझ में आता, लेकिन अब ये चीज़ हुई है, अब तुम्हें ध्यान रहेगा कि अपने काम को किस तरीके से ऊपर ले जाना। तो यही फ्रेंड्स आज का मैसेज है कि अपने काम को हमें निरंतर धीमे धीमे ऊपर करना चाहिए। हो सकता है कि जो आप काम कर रहे हो उसमें आपका मन नहीं है, आप ये कहोगे कि मैं कैसे अपने काम उस काम में अपना मन लगाऊं, लेकिन मेक श्योर कीजिए कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट कीजिए, क्योंकि जिस काम में आपका मन नहीं अगर आप वो अच्छे से कर सकते हो, तो जिस दिन भगवान ने आपको चांस दे दिया जिस काम में आपका मन है, उस दिन तो आप पूरी आग लगा दोगे उस काम में, ओके। तो आज हमारे फादर का इम्पोर्टेंस हमें समझ में आया, थैंक यू सो मच, आप इस वीडियो को देखते हैं और पेशेंस रखते हैं, ठीक है, और प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।